नमस्कार दोस्तों, जैसे मैं गुजर रहा था रोड से तो मुझे ललित जोशी सर मिले हैं जो रायपुर से दिल्ली जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निर्मूलन का उनका उद्देश्य है, जन जागृति कर रहे हैं, तो हम थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार ललित जी। तो ललित जी ने जैसे मुझे बताया, ललित जी अभी दूसरी बार जा रहे हैं, तो उनका जो दौरा है वो है रायपुर से दिल्ली का। पहली बार कब गए थे सर आप? पहली बार का डेट तो अभी नहीं बता सकते सर। नहीं, साल कितने साल पहले गए? इसको भी 2-3 साल। हाँ, तो 2-3 साल पहले गए थे और अभी जा रहे, 3 दिन पहले ही निकले, तो उनसे बात करते हैं। तो सर आप मतलब आपको कैसे सोचा कि आप इतने दूर गए? वो भी साइकिल से, क्योंकि काफ़ी कठिन काम है। कठिन काम नहीं है सर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है करप्शन के लिए एक आदमी नहीं, कई आदमी लड़ रहे हैं। हमने अन्ना हजारे का भी विरोध किया था। अच्छा काम नहीं किए सर। क्यों? मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है तो फिर आप काम नहीं कर सकते। आप रोड में काम कर दिखाई दे, जिंदाबाद नहीं किए सर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम जब इन्होंने फंक्शन किया कितने लोग थे, पूरा वर्ल्ड का मीडिया कवरेज किया। आज उन्होंने अनशन किया, 5,000 आदमी नहीं आए, तो मीडिया ने उनको कवरेज दिया। तो हमारा कहना ये है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से बहुत सही बात कुछ नहीं, बात सही है। आप अपनी चीज को फ्लोर पे रखिए, फ्लोर पे रखने के बाद में अगर सही होगी पब्लिक मीडिया जो जानकार है उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, हम गलत होंगे तो हम बाहर रहेंगे। सही बात है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे आपने लिखा है, लेकिन वो तो जो शाखाएं है, लोकसभा है, राज्यसभा है। मेरी बात सुनिए सर, आप राष्ट्र क्वेश्चन करें, मैंने पहले बोला जी नहीं, दो मिनट सुन लीजिए। करप्शन बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं सरकारी आदमी करप्ट है। मेरी बात वही, उसी में आप आने वाले थे, सरकारी आदमी करप्ट है बोलते। मेरी बात सुन लीजिए, दो मिनट क्वेश्चन कम्प्लीट कर लेता हूँ, फिर आप जवाब देंगे तो कैसे जवाब आपका पूरा उसमें कवर होगा। जैसे आपने बोला कि राज्यसभा करप्ट है, लोकसभा करप्ट है, मतलब उनका उनका उनकी वजह से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम बोले तो जो इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है, लास्ट आदमी है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ठीक है, सवाल ही है सर, देखिए करप्शन फ्री होना बहुत जरूरी हो गया आज के डेट। करप्ट तो कोई नहीं है, हम तो कुछ बोलते हैं, हम भी करप्ट हैं करके अपनी जगह, लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं आपको सुनना तो चाहिए। सही बात है, ऐसे आप बोलना चाहते हैं। हम तो देखो, हम लोग वही चीज़ बोल रहे हैं, देखिए दो तीन चीज़ हमने इसमें जो 3 मैटर लिखे हैं, देश को कौन चलाती है, लोकसभा राज्यसभा, कानून कौन बनाती है, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद में कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, माने नीचे से होता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लास्ट जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है। नोट कौन छापती है, रिजर्व बैंक छापते हैं, और रिजर्व बैंक का भी क्या करता है, बनता है फेक नोट आ रहा है तो फेक नोट को रिजर्व को रोकने की गुंजाइश करना चाहिए, न कि चल रहे चलने दीजिए। आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? नहीं, जो तनख्वाह ली, आप जैसे गवर्नर बने, गवर्नर बने तो आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे, तो आपको कुछ माइंड है इसलिए आपको तनख्वाह दे रहे, तो आप फेक नोट को क्यों नहीं रोक रहे? सही बात।